हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बार बार कंधा उतरने की प्रॉब्लम ऐसी है जिसके बारे में वही इंसान परेशान रहता है जिसको कि खुद ये पीड़ा भोगनी पड़ती है। बाकी लोग तो सोचते हैं ये आराम से, पता नहीं क्यों परेशान होता रहता है, इधर उधर दुखी होता रहता है और ऑपरेशन की बात करता है। हमें तो एकदम नॉर्मल लग रहा है, एक्सरे में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उसका कंधा उतर जाता है तो उसे इतना दर्द होता है कि उसे एकदम उसकी हालत ख़राब हो जाती है। ऐसे में वो डॉक्टर ढूंढता है उसे पहलवान और हार्डवेद और काफ़ी तरह के देसी इलाज भी लोग सजेस्ट करते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर जब वो मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखता है तो उसे पता चलता है कि बैंकाट और लटारजेट दोनों ऑपरेशन से इसका इलाज संभव है। दोनों ही प्रक्रिया हमारे यहाँ पे होती है। अगर आपका कंधा 3 से 4 बार उतरा है, अगर आपको बहुत हाई डिमांड नहीं है, आपके बोन लॉस नहीं है, तो आप बैंकाट करवा सकते हो। अगर आपके बोन लॉस ज़्यादा है, डिसलोकेशन ज़्यादा हो चुके हैं, तो आप लटारजेट करा सकते हो। आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही फाइटर मौजूद है जिनके कि यही ऑपरेशन हुआ है। तो आइए इनकी स्टोरी जानते हैं कि कैसे ये मेरे संपर्क में आए, इनको बार बार कंधा उतरने की प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे हुई थी और यहाँ पर इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपका नाम क्या है भैया? रवि कुमार साहू, दुर्ग से, छत्तीसगढ़ दुर्ग से। रवि जी, आपको बार बार कंधा उतरने की दिक्कत शुरू कैसे हुई थी? सर, ऐसे ही गाड़ी से गिर गया था। ये कितने दिन पुरानी बात है? ये 2008 की बात है सर। तो 13 साल हो गए, इन 13 साल में आपका कंधा कितनी बार उतरा था? 8-10 बार सर। 8-10 बार। और जब कंधा उतर जाता था तो क्या आप डॉक्टर के पास जाते थे या खुद ही सेट कर लेते थे? नहीं, एक दो बार खुद सेट किया हूँ, एक दो बार गया हूँ डॉक्टर पास। तो आपको इतना टाइम कैसे लग गया डिसीजन लेने में कि आपको पता नहीं था कि इसका इलाज होता है, या फिर आपको किसी ने जानकारी नहीं दी, या आप खुद ही नहीं कराना चाह रहे थे? नहीं, जब जब मेरा कंधा उतरता था तब तब यूट्यूब देखता था, अब देखता था, फिर भी जब यह फिर टूटा ना पिछले महीने में मंगलवार को, तब मैं देखा यूट्यूब, फिर आपका दिखा मेरे को, तभी फिर इसका मैं सर से बात की आपसे, फिर यहाँ पर आया मैं। जब आप यहाँ पर आए थे तो आपकी 3 टेस्ला MRI हम लोगों ने कराई थी, जिसमें कि बोन लॉस आया था, बैंकाट आया था और हिलसेक आया था। तो तीनों की वजह से हमने आपका लटारजेट ऑपरेशन करने का डिसीजन लिया। ऑपरेशन के दौरान कितना दर्द हुआ आपको? नहीं, कॉमन सा है सर, अब छोटा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। नहीं, काफ़ी सारे लोग इस डर से ही ज़िंदगी भर ऑपरेशन नहीं कराते कि पता नहीं कितना दर्द होगा। तो आपका कंधा बिठाने में ज़्यादा दर्द होता था या ऑपरेशन में ज़्यादा दर्द हुआ? कंधा बिठाने में। तो अभी आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, एक्सरे भी अच्छा आ गया है, आप घर वापस जा रहे हैं। ये पट्टा जो है आपको 45 दिन लगा के रखना है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है। और छत्तीसगढ़ दुर्ग में और लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उनको क्या मैसेज दोगे? सर बिल्कुल आओ सर यहाँ, बिल्कुल एक बार विजिट करो, देख के जाओ और यूट्यूब से जुड़े रहो, देखो देखते हैं लोग, अभी आ रहे हैं बहुत जन तो देख देख के। और फ़ोन भी किए थे, वो बताया उनको भी मैं जैसे बात है। तो आप मतलब जिस उम्मीद से इस अस्पताल में आए थे, ये अस्पताल आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि सर यूट्यूब पे तो कुछ भी फेक दिखा देते हैं और रियलिटी कुछ और होती है और नहीं, ऐसा नहीं, नहीं बिल्कुल सही है। आप एक बार आइए बिल्कुल यहाँ पर, और हम तो आए भाई यहाँ पर छत्तीसगढ़ से, हम आए हैं और छत्तीसगढ़ दुर्ग में मेरा घर है, आप बिल्कुल मेरे से भी संपर्क कर सकते हो। मैं सर पर नंबर भी छोड़ा हुआ हूँ और मैं भी सामने खड़ा हूँ। तो इनको हम बधाई देते हैं इस जगह का चुनाव करने के लिए, और पूरी उम्मीद करते हैं कि जिस आशा से हमारे पास आए थे ये पूरे ठीक हो जाएंगे, दोबारा पहले जैसे सारे काम कर पाएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कंधे, घुटने और कूल्हे के संबंधित सभी बीमारियों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारे वीडियोज़ आपको तुरंत मिल जाएं।